ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड बता रहा हूँ मैं, 3.4 एक्सरसाइज में। और पहले से समझते हैं, देखिए दो अंकों की संख्या सब जानते हैं कि 9 तक तो देखो एक अंक है, 10 में दो अंक हैं और 100 में कितने अंक हैं, 3 अंक, 1, 2, 3। तो 10 से लेके 99 तक, 10 से 99 तक, ये है सब दो अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी दो दो अंकों की संख्या 10 है, तो 10 के हिसाब से हम इसके जो है वो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंक मानने पड़ेंगे। अंक देखो, अंक कैसे होता है, इकाई दहाई इस तरह चलता है, तो इकाई और दहाई दो अंक मान लेंगे। अब अंक देखो, पता तो है नहीं क्या अंक है, तो एक्स और वाई के रूप में मानने पड़ेंगे हमें। अंक तो हमें नहीं पता कौन कौन से हैं, तो अंक हम किस रूप में मानेंगे, इकाई और दहाई ये एक्स और वाई के रूप में। माना इकाई का अंक वाई है तथा दहाई का अंक एक्स है। देखो इकाई और दहाई मैंने ऐसा क्यों माना, अगर इसको ऐसे लिखें एक्स वाई, तो ये इकाई और ये दहाई, इकाई दहाई, ठीक है। तो इसीलिए इकाई का अंक वाई है, दहाई का अंक एक्स है। तब दो अंकों वाली जो संख्या होगी लिखेंगे, तब दो अंकों वाली संख्या, तब दो अंकों वाली संख्या का ये सूत्र याद रखना क्या होगा, 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, प्लस इकाई का अंक, ठीक है। तो दो अंकों वाली संख्या होगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक है। इकाई और दहाई को इंग्लिश में वंस टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से, अब इसमें क्या होगा, 10 गुणा दहाई का अंक कितना है, एक्स, 10x, प्लस इकाई का अंक कितना है, वाई। तो दो अंकों की जो संख्या आएगी बन के वो क्या आएगी, 10x प्लस वाई। 10 हमने क्यों लिया, सबसे छोटा एक दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है, 10, इसीलिए हमने 10 लिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तो ये दो अंकों की संख्या ये आ गई, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये हमने दो अंकों की संख्या ये मान ली 10x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्नानुसार लिखेंगे हम, अब प्रश्न के अनुसार देखिए क्या प्रश्न होगा। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है, तो क्या होगा। प्रथम शर्त लिख दीजिए यहाँ पे, प्रथम शर्त, तो अंक क्या है इसके, अंक एक्स और वाई है, एक्स प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है ना। इस तरह समीकरण 1 मान लिया इसको। अब दूसरी शर्त, दूसरी शर्त पर थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ इसमें लिखा है, इस, अरे दो बार लिख दिया मैंने, चलिए इसको काट देता हूँ। देखो इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो संख्या है ये 10x प्लस वाई, ये संख्या है, ठीक है, दो अंकों की संख्या है ये। तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या लिख लो 10x प्लस वाई, इसका कितने गुना, 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। फिर क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना, तो देखो संख्या लिखी हमने, इसका 9 गुना कर दिया, 9 का गुणा कर दिया, इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक पलट दो तो 10y प्लस x हो जाएगा। देखो संख्या के अंक पलट दिए, x को उधर कर दिए, y को इधर कर दिए, तो 10y प्लस x हो गया। तो अब क्या बना, क्या लिखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंक भी पलट दिए, बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, तो 2 का गुणा कर दिया, ठीक है ना, बनी संख्या का 2 गुना है। अब वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या तो तब ज्ञात होगी, पहले एक्स और वाई ज्ञात करेंगे तो इसमें रख देंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी, संख्या हमने मान ही ली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो समीकरण 1 है, अब इसको थोड़ा सा हल करके ये समीकरण 2 आ जाएगा। तो 9 का गुणा इसमें कर दो, 9 धाम 90x प्लस 9 का वाई में गुणा करेंगे 9y,
दो दाम 20, वाई प्लस 2x। देखो x इन दोनों को इधर ही ले आओ तो क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0 बचेगा उधर। अब देखो 90x में से 2x गए तो 88, 88x, और ये देखो यहाँ पे 20 में से 9 गए माइनस के 11y बराबर 0। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो तो 11 अट्ठे 88 एक्स माइनस 11 के 11 तो एक तो लिखते नहीं है भाई बराबर 0, 11 का 0 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर 0/11, तो 8x माइनस वाई बराबर 11 0 या 0 ही होता है, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास आ गया है, अब इसे हल कर लेंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 हमारे पास ये है, एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स और ये दूसरा समीकरण है वो है 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब देखिए ये प्लस माइनस के भाई सीधे कट रहे हैं, जब प्लस माइनस के भाई सीधे कट रहे हैं तो हम घटाने पे क्यों लिखेंगे, हम लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदले आते, ये ध्यान रखना, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। तो प्लस माइनस के वाई कैंसिल हो गए, अब 8x प्लस के हैं, एक्स भी प्लस के हैं, तो और 8 और 1 9x, ठीक है बराबर, यहाँ भी 9 और 0 जुड़ेंगे तो 9 ही रहेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 9/9 का भाग दे देंगे तो 9 एकम 9, एक्स बराबर 1 आ गया। अब एक्स का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 9, एक्स का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई बराबर 9, तो 1 को उधर ले जाएंगे हम 75 कर देंगे, तो 9 माइनस 1, ठीक है बाकी मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है ना, वाई का मान 8 आ गया। अब यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या हमारी क्या थी, 10x प्लस वाई, अब लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली संख्या, देखिए 2 अंकों वाली जो संख्या है वो क्या है, 10x प्लस वाई, तो 10x का मान कितना है हमारे पास, 1, तो 10 गुणा 1 प्लस वाई का मान 8, क्या आ जाएगा, 10 एकम 10 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा, 18, तो 2 अंकों वाली संख्या आपकी बनेगी 18, ये आंसर आएगा। ठीक है ना,